What's up guys? I hope you are doing well. I am VeeR. Welcome to Study Lover. आज का दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी के रूप में। देखिए गणेश चतुर्थी को अगर आप लोग देखें थोड़ा सा, वैसे तो आप लोग इसे हिंदू फेस्टिवल के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, पर लेकिन अगर हिस्टोरिकल आप लोग इसका बैकग्राउंड देखेंगे, हमारी कंट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया गणेश चतुर्थी के द्वारा। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिनको लोकमान्य तिलक भी बुलाया जाता था। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बोला गया था, खासकर महाराष्ट्र वाले रीजन में, कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए, कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए, ताकि लोग जो है और अच्छे अच्छे चीजों से कनेक्ट हो सकें और शानदार तरीके से जो है अपनी चीजों को सेलिब्रेट कर सकें और इसी के साथ में फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में भी आगे बढ़कर खूब निकल कर आ सकें। तो इसीलिए वहां पर इसको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 11वें दिन जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल का होता है, माना जाता है कि यहाँ पर जो लॉर्ड गणेशा थे उनका जन्म हुआ था। ओके, एक तो बात यह है, इसके अलावा काफी अच्छे शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, डांस वगैरह, जो लोग गीत वगैरह गाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, और जब इसको जाकर फिर मर्ज करते हैं यहाँ पर जो गणेश जी की तस्वीर होती है, जो आसपास में जो भी नदियां वगैरह होती है उनमें, और यहाँ पर लगभग आप लोग देखते हैं टाइम पीरियड 13 से 23 तक ये चलने वाला जो फेस्टिवल है, खासकर सितंबर के महीने में। मोस्टली जो एरिया यहाँ पर है ये है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि साउथ इंडिया में। तो जब यहाँ पर बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की, तो उस टाइम पर आप लोगों को याद रखना है मेनली मुंबई में। ओके, और इसके अलावा इनको टाइटल का जो नाम दिया गया है, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य भी बुलाया जाता था। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप लोगों को, इसी के साथ साथ में थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पता चल गया, यानी कि आप लोगों का एक क्वेश्चन भी यहाँ पर अब हो जाएगा। तो इस तरीके थोड़ा चीजों को कनेक्ट कर लिया कीजिए, अगर अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये खतरनाक वाली न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, हरिकेन फ्लोरेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए में। सबसे खतरनाक बात क्या है, 1.7 मिलियन यानी कि लगभग 17 लाख लोगों को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, अलग जगह पर उनको पहुंचा दिया गया है, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया। तो यहाँ पर ये इतने लोगों को यहाँ पर हटाया गया है यहाँ से, इस हरिकेन की वजह से, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे वाले रीजन में इसको साइक्लोन बुलाया जाता है, जापान वाले रीजन में इसको टाइफून बुलाया जाता है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर रीजन जिसको इसको हरिकेन बुलाया जाता है इस वाले रीजन में। आइए एक बार मैप भी आप लोग देख लीजिए किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जूम करके तो ये पर्टिकुलर जो रेड रीजन आप लोगों को नजर आ रहा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैप के ऊपर, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग देखते हैं। नीचे आप लोगों को यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको देखने को मिल रहा होगा, तो इस वाले रीजन में ये हो गया यहाँ पर साउथ कैरोलिना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये नीचे फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे इसको बुलाया जाता है जो कि हरिकेन, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है जो आप लोग याद रखते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ पर काफी खतरनाक लेवल का ये तूफान इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिला, तो इसलिए भी कई सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा देखिए हमारी कंट्री की जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने यहाँ पर अपनी पोजीशन जो फर्स्ट पोजीशन पर है अपनी मेंटेन रखी है। हालांकि वो सीरीज जो है, ये सीरीज भी आप लोग याद रखिएगा, अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी ये अभी हम लोग हार गए हैं किससे, इंग्लैंड से। उसके बाद भी हम लोग की जो पोजीशन यहाँ पर मेंटेन है, यानी कि काफी अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर पहले खेले हम लोग अपने मैच, जिसकी वजह से पोजीशन यहाँ पर मेंटेन है। ओके, बात किसी की जा रही है, यह है टेस्ट टीम रैंकिंग की। आप लोगों को ये बताइए वनडे टीम रैंकिंग में यहाँ पर टॉप पोजीशन पर कौन चल रहा है अब तक, ये आप लोग क्वेश्चन बताइए, क्या इंडिया है या कोई और कंट्री है। तो जाकर इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है एयरफोर्स के बारे में। तो एयरफोर्स चीफ मार्शल यहाँ पर है बीएस धनोवा, इनके द्वारा बोला गया है यहाँ पर कि जो भी हम लोग यहाँ पर खरीदने जा रहे हैं, जिस तरीके से रफेल फाइटर जेट की बात कर सकते हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का है, जिस तरीके से उसका नाम है S-400, ये सारा काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जो गैप है हमारी कंट्री में सिक्योरिटी को लेकर, उसको फिल करने वाला है, और आप लोग जानते हैं इसी के ऊपर काफी जद्दोजहद चल रही है। एक साइड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलता है कि हम लोगों को इनको नहीं खरीदना चाहिए, और दूसरी साइड में यहाँ पर हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री की फोर्सेज हैं, वो भी यहाँ पर कह रही है कि इसको हम लोगों को खरीद लेना चाहिए। तो कई सारी बातें यहाँ पर चल रही थी, इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में 2+2 डायलॉग आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो तमाम बातें देखने को मिली, कॉम कासा वहां पर साइन किया गया ताकि और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर शेयर की जा सके दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। कॉम कासा की फुल फॉर्म नीचे लिखिएगा क्या है, आप लोगों को ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। अब कमीशन किया गया है जो हमारी कंट्री का रिसर्च रिएक्टर था, जिसका ओल्डेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नाम था अप्सरा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारी कंट्री में जो ओल्डेस्ट यहाँ पर रिसर्च रिएक्टर था उसका नाम क्या था, तो अप्सरा था यहाँ पर। अब इसको फिर से हायर कैपेसिटी के साथ में फिर से इसको रिन्यू करने की बात की जा रही है। और अगर यहाँ पर बात करें बार्क की, आप लोगों ने पता भी होगा जो यहाँ पर टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड इसका एग्जामिनेशन भी होता है, आप लोग कई बार इसके लिए फॉर्म भी भरते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो गठन किया गया था इसको 1954 में इसको बनाया गया था, और नाम याद रखिएगा फाउंडर का काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नाम थे होमी जागीर भाभा के द्वारा इसको बनाया गया था। आज की डेट में भी यहाँ पर शानदार तरीके से ऑपरेशनल है, और जो हेडक्वार्टर आप लोग यहाँ पर नजर आएगा वो आएगा मुंबई में, ठीक है। डायरेक्टर है के.एन. व्यास, नाम याद रखते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, ये जो एनर्जी वाला जो सारा सिस्टम होता है ये किसके कंट्रोल में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर क्या नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर बता सकते हैं तो काफी अच्छी बात होगी। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है आप लोगों को ये बताना है, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बस आप लोगों को एक छोटा सा फेस्टिवल है जिसका नाम याद रखना है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ये सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर कवर भी किया गया हमारी कंट्री में भी न्यूज में। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में यहाँ पर ये हरतलिका तीज सेलिब्रेट किया जाता है, तो नाम याद रखिएगा यहाँ पर ये है हरतलिका तीज, जो कि वुमेन से रिलेटेड फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पड़ोसी देश कहाँ पर, नेपाल में। एक रिलीजियस फेस्टिवल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा महिलाओं से रिलेटेड, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस पड़ोसी कंट्री जो कि हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है जहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी एक छोटी सी दुखद घटना है यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, उन्होंने यहाँ पर इन कॉन्डोल किया है इसके लिए, यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, तो ये आप लोग देखते हैं। नाम था इनका कुलसुम नवाज, ओके। तो नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा बस ऐसे ही, क्योंकि काफी अच्छी पर्सनैलिटी है अगर देखा जाए नवाज शरीफ जी, क्योंकि इनके टाइम पर हमारी कंट्री के साथ में काफी अच्छे रिलेशन रहे, मैक्सिमम इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि आर्मी के प्रेशर में न आए, और इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अब की बार का जो पूरा रवैया इनके साथ में किया गया वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रीजन भी आप लोगों को ही नजर आएगा। तो इस तरीके सिचुएशन आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, कई जगह कई सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब जब इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे हुए हैं मैक्सिमम जगह आप लोगों नवाज शरीफ ही नजर आए होंगे वहां पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो पहला यहाँ पर आप लोग नाम भी देख लीजिए, जो पर्सन है यहाँ पर जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं, ये पहले हैं यहाँ पर मुकेश बुरिया, ठीक है ना, ये काफी अच्छे से इन्होंने आंसर दिए, हिंदी में इन्होंने आंसर लिखे थे शानदार तरीके से। दूसरे यहाँ पर है ये है तनु अनुभा, ओके। और यहाँ पर ये एक पर्सन भी है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो आर्मी एक्साइज के बारे में आप लोगों को देखने को मिला, तो यहाँ पर ये है शुभम के, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये आर्मी में है यहाँ पर और ये उस एक्साइज का पार्ट थे, इन्होंने यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में बताया, तो काफी अच्छा लगा। इस तरीके से आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रह कीजिए ताकि पता चलता रहे कि कितने डाइवर्स हमारे यहाँ पर जो हम जो एक ग्रुप बनाकर फैमिली मेंबर बनकर यहाँ पर जो चीजें डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से कनेक्टिविटी और बनी रहे। अब बात करते हैं 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो देखिये ये क्लासिकल डांसेस इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पता नहीं कितनी बार, मतलब जब भी कल्चर की बात आती है हिस्ट्री की तो इनमें से कोई ना कोई क्लासिकल डांस के बारे में आप लोगों से पूछ ही लिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को याद कर ही कर लेनी चाहिए, पता नहीं कल को क्वेश्चन बने या ना बने, पर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो कि नॉर्मली लोग नहीं छोड़ के आते हैं, जो ठीक ठाक अपनी प्रिपरेशन करके चलते हैं, तो ये आप लोग सब याद रखना है। पहली बात की जा रही है भरतनाट्यम के बारे में, काफी फेमस है, तो ये आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी मेनली तमिलनाडु वाले एरिया में। कथक की बात जब की जाती है तो मेनली तो उत्तर प्रदेश में बोल देते हैं, पर अगर नॉर्थ इंडिया भी लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को वहां पर डरना है, शर्माना है, घबराना नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया का भी आप लोगों को आंसर लगा देना है। कथक कली की बात करें अगर आप लोगों को तो ये केरला नजर आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है की बार, क्योंकि केरला में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली तो इसलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इससे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। कुचिपुड़ी यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है, पहले यहां पर नॉर्मली आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने को मिलता था, अब यहां पर आप लोगों को तेलंगाना भी याद रखना है, क्योंकि 2014 से तेलंगाना नया स्टेट बना दिया गया है, और जब से नया स्टेट बना है तब से कुछ कुछ बातें तो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो दोनों के साथ में इक्वल है, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसे ही देखने को मिलेगी आप लोगों को यहां पर डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो यहां पर कुचिपुड़ी है, तो यहां पर आप लोगों को तेलंगाना का भी नाम आप याद रखना है। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है ये उड़ीसी, ये उड़ीसी तो आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ये डांस इतनी बार पूछा जा चुका है क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो थोड़ा नाम डिफरेंट है, समझ में नहीं आता है, पूछ लिया जाता है कि सतरिया डांस कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में, और नाम भी नहीं आप लोग देखकर पहचान पाएंगे कौन सा स्टेट है, मणिपुरी हो गया तो मणिपुर में हो गया, ठीक है, तो इसको तो देख सकते हैं, पर लेकिन ये कहां पर, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर मोहिनी अट्टम, ये भी आप लोग केरला में नजर आएगा, तो केरला के तो आप लोगों को याद रखने रखने किसी भी हालत में। और जो से यहाँ पर ये जो से नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ये आप लोगों को सत्रीय देखने को मिलेगा आसाम में। और इसके अलावा यहाँ पर ये कुचिपुड़ी हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो आप लोग यहाँ इंपॉर्टेंट है काफी आप लोगों को हर एक हालत में, अगर इनको याद रख के चलेंगे तो देखिए काफी कम आप लोगों के चांसेस होंगे कुछ क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट करके ले जाएंगे, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर ये थे नेक्स्ट यहाँ पर अरीफ अलवी, ये यहाँ पर पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनके बारे में पूछा था। इसके अलावा अलीबाबा जो चाइन जो अलीबाबा जो कंपनी है जिसके फाउंडर आप लोगों को जैकमा नजर आए, तो जैकमा की ये कंपनी है अलीबाबा, ये एक चाइनीज कंपनी है। जी हाँ, चाइनीज कंपनी है जिसने यहाँ पर धूम मचा दी इतनी जल्दी आकर। देख सकते हैं आप लोग लगभग 2000 में आई है, 1999 में आई और आज के डेट में आप लोग 2018 में खड़े हैं। ठीक है, तो लगभग देख सकते हैं आप लोगों के सामने 19 साल में एक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी ये बन गई। इसी के अलावा मैंने आप लोगों से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछा था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोगों को लोकेशन जो नजर आएगी ये आएगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के अंदर। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है यहाँ पर ये फ्रांस के द्वारा, जी हाँ फ्रांस के द्वारा गिफ्ट किया गया था यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को गिफ्ट किया गया था। और ये एक लिबर्टी नाम का आइलैंड है, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है आज तक का, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, और हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, ये तीन शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये तीन शब्द हैं। आप लोगों को ये बताना है कि ये तीन शब्द कहाँ से लिए गए हैं, हमारे संविधान में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है सीवीसी के बारे में, सिविल विजिलेंस कमीशन के बारे में। मैंने आप लोगों से पूछा था, इसका गठन किया गया था 1964 में, और जो रिकमेंड किया गया था यहाँ पर के सथानाम कमेटी, नाम याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट सीवीसी थे यहाँ पर ये थे नित्तूर श्रीनिवास राव, ठीक है ना, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि एक ऐसी बॉडी है जो हमारी कंट्री में जो भी करप्शन की एक्टिविटी होती है उनको, खासकर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश के द्वारा की जाती है। जब सीवीसी के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं तो आज जाके आप लोग थोड़ा सीबीआई के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोगों को बताना है जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे सीबीआई के वो कौन थे, सीबीआई के बारे में पढ़िएगा, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को सीबीआई देखने को मिलती है, क्योंकि जब कोई मिनिस्ट्री नहीं आती है आप लोगों को नजर आएगा कि उस टाइम पर कई सारी चीजें चेंज हो जाती है, और फिर यहाँ पर एडिट, फिर यहाँ पर काम स्टार्ट किया जाता है सामने वाली यानी कि अपोजिशन की पार्टी को परेशान करने का। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आइए अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं यहाँ पर, ये है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज वाला सेक्शन। तो जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये काफी इंटरेस्टिंग है, बात की जा रही है यहाँ पर आरबीआई के इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में। ये आप लोग अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है ओम्बुड्समैन के बारे में, यानी कि एक तरीके से इंटरनल लेखपाल की बात की जा रही है। तो आरबीआई ने बोला यहाँ पर अब हर एक ब्रांच में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनमें लगभग जिसकी 10 लगभग ब्रांचेज हैं आसपास वाले एरिया में, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटरनल ओम्बुड्समैन यानी कि लेखपाल अपॉइंट किया जाएगा। आरबीआई ने बोला था ये इसको यहाँ पर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा यहाँ पर, इसको अपॉइंट करना है किस तरीके से इसको रखना है, ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो होगी यहाँ पर आरबीआई के हिसाब से चलेगी। तो मिनिमम जो है जो कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसमें मिनिमम 10 ब्रांचेज होनी चाहिए, ठीक है ना, तो जिसके अपॉइंट किया जाएगा इंटरनल ओम्बुड्समैन, यानी कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है उसमें देख रेख यहाँ पर की जाएगी, ताकि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो उनको रोका जा सके। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एक तरीके से बैड लोन यानी कि ऐसा लोन जो कि वापसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। देखिए किसी भी कंट्री की अगर बात करें आप लोग इकोनॉमी की, तो जो बैंक है ना वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, अगर रीढ़ की हड्डी में ही बेकार हो गई तो देखिए अर्थव्यवस्था सीधे से खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस तरीके की एक्टिविटी आरबीआई के द्वारा की गई है ताकि जो सिस्टम है उसको थोड़ा सुधारा जा सके। ओके, तो ये कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट करेगा, तो करेगा कौन, आरबीआई के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगी सारी टर्म एंड कंडीशन। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके बारे में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि क्या इसको हटाया जा सकता है अपने आप, तो बिना आरबीआई की सलाह के बिना इसको नहीं हटाया जा सकता है। ओके, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये भी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, सब बैंक के लिए नहीं है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो बात की जा रही है इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस, जिस तरीके से आप लोग जियो आज के डेट में देख रहे हैं काफी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है, हमारी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा ऑन यहाँ पर क्या है बीएसएनएल है यहाँ पर, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जब से जियो आया है, जियो ने सबकी हालत खस्ता कर दी थी, तो बहुत सारी कंपनी का आप लोगों को मर्जर देखने को मिले, तो आइडिया और वोडाफोन भी यहाँ पर आप लोगों को मर्ज होते हुए नजर आए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आइडिया और वोडाफोन के मर्जर होने की वजह से इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम सर्विस ये बन चुका है यहाँ पर, 408 मिलियन सब्सक्राइबर बेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आदित्य बिरला,
आदित्य बिरला जो आइडिया सेल्यूलर का नाम रीनेम करके यहाँ पर अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कर दिया गया है। दोनों कंपनी यहाँ पर एक तरीके से कंटिन्यू करेंगी ऑपरेट करते हुए। इसको इक्विटी इन्फ्यूज की गई है 6.7 बिलियन यहाँ पर आइडिया के द्वारा, और इसके अलावा 86 बिलियन यहाँ पर वोडाफोन, बाकी का इतना ज़्यादा ये जो डिजिट यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर देख रेख की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आप लोग इनके बारे में याद रखते हैं। इंडिया का सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस ये हो चुकी है आज के डेट में, यानी कि जो फोन से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, शिकागो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर इसको अटेंड किया, आप लोगों को पता होगा क्योंकि पहले भी हल्का सा इसके बारे में आप लोगों को आइडिया दिया जा चुका है और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 125th ईयर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जो हिस्टोरिक स्पीच थी शिकागो, उसको यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 11 सितंबर 1893 में आप लोगों को देखने को मिली थी शिकागो में। काफी इंपॉर्टेंट है जो थीम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये तो है हिंदी में इसका नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है और इंग्लिश में यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, तो जो हिंदी में यहाँ पर नाम है आप लोगों के सामने तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, हिंदी का भी वर्ड आप लोगों के सामने आ सकता है और इंग्लिश का भी, इसलिए दोनों को ही याद रखना आप लोगों को। तो क्या है मतलब इसका, इसका मतलब है कि आप लोगों को थिंक कलेक्टिवली, यानी कि मिलके सोचना है और बहादुरी से उसको अचीव करना है, ठीक है ना, अचीव वैलियंटली। तो ये आप लोग थीम है, इसकी नाम याद जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अटेंड की गई है और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब यहाँ पर जो हिंदूज जो यहाँ पर है जो आइडियाज उनको मिलकर यहाँ पर शेयर करते हैं और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, ताकि इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को, ताकि कॉमन जो है यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर उसको और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डिफेंस के बारे में, तो अगर डिफेंस की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है जम्मू और कश्मीर वाले रीजन के बारे में, तो बात की जा रही है यहाँ पर यह है दिलबाग सिंह ने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, यहाँ पर अपॉइंट किया गया जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि किसी भी स्टेट में एरिया में जो हाईएस्ट पोजिशन होती है स्टेट की, जो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स की, तो आप आईपीएस ऑफिसर्स की तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये होती है डीजीपी, यहाँ पर रिप्लेस किया इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया गया यहाँ पर एसपी वैद को, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर खासकर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में इस तरह की बातें पूछी जाती है तो आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि काफी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा रीजन है हमारी कंट्री का जिसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ध्यान रखा जाता है। 1986 के आईपीएस ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, तो इस तरीके से इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। रिटायर होंगे अक्टूबर 2019 में, ओके। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जब यहाँ पर ये अपॉइंट किया जाता है तो जो नाम होता है वो यहाँ पर क्लियर किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो ये नहीं है कि यहाँ पर इनके द्वारा स्टार्टिंग में ही काम किया जाता है, बस यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, बाद तक भी यहाँ पर रोल प्ले करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक किताब के बारे में जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये किताब है जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, सी गोज टू वार। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब महिलाएं हथियार उठा लेती हैं तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे एरिया देखने को मिले जहां पर लगभग 16 वुमेन यहां पर मिलिटेंट्स यहां पर देखने को मिली, लगभग 5 इंडियन स्टेट में, कश्मीर में, छत्तीसगढ़, आसाम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये जो किताब है इसी के बारे में एनालिसिस यहां पर कर रही है कि आखिर ऐसे क्या सिचुएशन बन जाती है यहां पर कि महिलाएं जो है उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर कर जाता है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो महिलाएं होती हैं इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त नहीं पाई जाती हैं, पर लेकिन आखिर क्या उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो उन्हीं सब सिचुएशन को यहां पर एनालिसिस किया गया है। खासकर ये 5 स्टेट है, इनका आप लोग नाम याद रखते हैं जिन स्टेट में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओके। तो यहां पर जो ये किताब जो लिखी गई है यह है रश्मि, ठीक है, रश्मि का नाम याद रखिएगा, रश्मि तो आप लोगों को रखना याद रखना ही है, इसके अलावा सक्सेना भी आप लोग याद रखते हैं अगर रखना चाहे तो, ठीक है। तो रश्मि सक्सेना के द्वारा लिखी गई है सी गोज टू वॉर, ठीक है, बुक है काफी इंपॉर्टेंट, खासकर महिलाओं से रिलेटेड है और महिलाओं की हालत दर्शाती है, खासकर जब वो मिलिटेंट की कंडीशन में पहुंच जाती है। तो आइए एक टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया गया था, आप लोगों को पता है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है और जब यहाँ पे आप लोग नेशनल पार्क वाली वीडियो ले रहा था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो टाइगर जो हमारी कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन को किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, तो टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए देखने को मिलेगा आप लोगों को अलग अलग तरीके से एफर्ट डाले गए। तो यहाँ पर बात की जा रही है मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट किस लिए था, ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर पहले जो संख्या थी यहाँ पर 30 हुआ करती थी, अब यहाँ पर बढ़कर 60 हो गई, यानी कि डबल हो गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अभी कौन सा रिसेंटली ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर संख्या बढ़कर उनकी डबल हो गई है टाइगर्स की, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट का, वहां पर आप लोगों को ये नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट है टाइगर प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो हल्का सा आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा।
थोड़ा वन लाइनर है इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, जो कि आप लोगों का रिविजन भी होता है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर गुजरात कोऑपरेटिव जो मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है उसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया मार्केटर ऑफ द ईयर का। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर दिया जाता है इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड दिए गए यहाँ पर 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पांचों के आप लोगों को नाम याद रखने हैं और खासकर 2017 का जो है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है एक्सिस बैंक तो बिकेम यहाँ पर फर्स्ट बैंक बन गया जिसने इंट्रोड्यूस किया है आयरिस स्कैन, यानी कि जो आंख की पुतली होती है उसको स्कैन करने पर यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने की बात की गई है, आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन थ्रू ATM। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर इस तरीके से यहाँ पर चीजें टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। अभी एक ऐसे एयरपोर्ट का नाम आप लोग बताइए जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप लोगों को देखने को मिला क्वेश्चन वाली वीडियो भी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक ऐसे एयरपोर्ट का नाम बताइए जहाँ पर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को अलाउ किया गया है, बेंगलुरु में वो आप लोग एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, उस एयरपोर्ट का नाम आप लोग को बताना है। ओके, तो यहां पर अब उसमें फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से सारी चीजें हो जाएंगी। यहां पर इंडिया लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस MOPAD ये डिजिटल पेमेंट यहां पर स्टार्ट किया, जिससे कि जो मर्चेंट्स हैं और इसके अलावा जो कंज्यूमर है उनको फायदा हो सके। अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है सेंट्रल स्टेटिकल्स ऑफिस के द्वारा यहां पर मेजर्स जो किया गया था यहाँ पर IIP, तो इसमें देखने को मिला 5 मंथ में हाई, यहाँ पर 7% देखने को मिला जून वाले महीने में। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है CSO, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिला आप लोगों, ये है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस जिसको बैंकर्स इंश्योरेंस बोला जाता है, डील अभी विजय बैंक के साथ में, तो ये भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी। बाकी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, डिटेल में आप लोगों को समझाया था यहाँ पर, खासकर एग्जांपल लेके करंट का जो उदाहरण था, जाकर देखिएगा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1985 में आप लोगों को देखने को मिला। लिंक जो है वीडियो का नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कल आप लोगों ने अपना जो टारगेट था काफी अच्छे से अचीव कर लिया, जो कि यहाँ पर था 4,500, तो आज भी आप लोगों का यही टारगेट है। मैंने आप लोगों को बताया था टारगेट को अचीव करते हुए आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और डेली का अपना खुद का एक टारगेट बनाइए जिसको आप लोगों को अचीव करना होता है, ये बात आप लोग याद करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो भी आप लोगों को चीजें अच्छी लगती हैं तो दूर तक फैलाइएगा ताकि सोसाइटी में हम लोग एक अच्छे लेवल का एजुकेशन सिस्टम बना सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, तो ये आप लोगों को जरूर करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हाँ कल मैंने शाम को एक वीडियो बनाई थी मोमो चैलेंज के बारे में, वो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि वो सोसाइटी के लिए काफी अच्छी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से नॉर्मली कि किस तरीके का गेम है, कितना खतरनाक गेम है, और बाकी अगर सोसाइटी में इस तरीके की आप लोग चीजें फैलाएंगे तो उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। ओके, तो वो जरूर देखेगा और लोगों को उसके बारे में अवेयर कराना है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसी जैसे ब्लू व्हेल गेम आप लोगों को देखने को मिला था उसी का वर्जन मोमो चैलेंज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।